वेलकम टू ब्लश ब्लश। मैं हूं आपकी फ्रेंड दिया। फ्रेंड, सबसे बड़ी खबर के वी आर 20K। यस, वी आर 20K, सो गिव मी हाई फाइव। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है दिस इज अबाउट एंटी एजिंग, जिसमें मैं आपको मसाज टेक्निक सिखाने वाली हूँ और वो हम करने वाले हैं एलोवेरा से। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम अपने फेस और नेक की मसाज। चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ले रही हूँ एलोवेरा इसलिए क्योंकि एक चीज़ है जो कि एक्ने, सनबर्न्स, ड्राई स्किन, डार्क स्पॉट्स जो होते हैं, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो स्किन से रिलेटेड होती है उसको दूर कर देता है। अगर फ्रेश मिले तो अच्छा, नहीं तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ एंटी एजिंग का मसाज। सबसे पहली चीज़, हम जॉ लाइन के लिए कर रहे हैं मसाज। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं किया है, तो अब आप देख सकते हो कि आप किस तरह से आपको हैंड मूवमेंट करना है। तो आप देखिए, इस तरह से आपको अपने जॉ लाइन का मूवमेंट करना है। आप देखिए, जो फिंगर्स जा रही हैं, इसको मैंने थोड़ा सा कान के पास जाके, थोड़ा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ तक लेकर जाना है। आप देखिए, इस तरह से आप अपने हाथ चलाइए, तो इससे आपकी एक तो जॉ लाइन सुंदर होती है, साथ में दिस इज़ एंटी एजिंग, तो डबल चिन भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप आगे से और पीछे से हाथ का यूज़ करके आप अपने जॉ लाइन की मसाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो जॉ लाइन होती है ना, इसकी अगर आप मसाज करते हो, इसके बेनिफिट एक ये भी है कि अगर आपको बहुत सीवियर हेडेक रहता है तो वो भी ये रिलीज़ करता है और आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अब हम अपने चीक बोन्स की मसाज करेंगे, तो उसको किस तरह से करना है आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़, आप देखिए, मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ एलोवेरा जेल लगा लिया है। उसके बाद मैं इस तरह से मसाज कर रही हूँ और आप देखिए किस तरह से मैं ऊपर तरफ लेके जा रही हूँ, ताकि मेरे जो चीक बोन्स हैं वो थोड़े से उठ कर आएँ। कहते हैं ना, प्यारे गाल वही लगते हैं जहाँ पे चीक बोन्स अच्छे हों। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से मूवमेंट करना है, सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करना है। जब आप इस तरह से मसाज करोगे तो जो स्माइल से जो आपकी लाइन्स आती है ना, वो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो रिमूव हो जाएंगी आपके जॉ पे, आपके लाफ लाइंस उनको बोलते हैं, वो जो होती है ना वो बहुत जल्दी आने लगती हैं और फाइन लाइंस जो होती हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। आप देखिए किस तरह से मैं सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ और हाथों को हल्के हाथ से करना है, इतना प्रेशर नहीं देना है कि हम अपनी स्किन को डैमेज करें। यहाँ पे बेसिकली लाफ लाइंस आ जाती हैं और अगर आप इस तरह से मसाज करोगे तो वो हट जाएंगी। अब हम बात करेंगे अपने फोर हेड पे जो लाइंस आ जाती हैं, या फिर क्रोज फीट जो जिसको बोलते हैं, आंखों के साइड में तीन लाइनें जो आती हैं वो किस तरह से जा सकती हैं। तो मूवमेंट तो आप देख ही रहे हो, लेकिन इस तरह से जब आप करते हो फ्रेंड्स, आपका स्ट्रेस भी रिमूव होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो फाइन लाइंस हैं वो रिमूव हो जाती हैं। आप देखिए मैं कैसे मूवमेंट कर रही हूँ और जाके मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ हल्के हाथ से, ताकि अगर सर दर्द है या कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, वो भी ये मसाज रिलीफ करेगा आपको। फ्रेंड्स, ये जो है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप जब मसाज करते हो तो आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। साथ के साथ अब हम बात करते हैं आँखों के नीचे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लगा लीजिए एलोवेरा जेल, या फिर अगर आप चाहें कोई ऑयल या जो भी चीज़ से आप मसाज कर रहे हैं, क्रीम, वो आप लगा लीजिए। अब हम आँखों के नीचे मसाज करेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो बहुत ही जेंटली मसाज करना है, हमें कोई जोर नहीं लगाना है। जो आँखों के नीचे काले घेरे आप देखते हो ना, जिनको हम डार्क सर्कल्स कहते हैं, ये मसाज टेक्निक से वो भी कम हो जाएंगे।
वो इसलिए भी होता है क्योंकि कई बारी पुअर सर्कुलेशन जो होता है उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। अगर आप इस तरह से मसाज करेंगे तो फ्रेंड्स ओवरऑल आपके फेस को और आपके नेक को मैक्सिमम बेनिफिट होगा। इस तरह से मसाज करने से पूरे जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बूस्ट होता है और आपको मिलती है एक बहुत ही हेल्दी त्वचा, बहुत ही यू नो ब्यूटीफुल स्किन, और साथ के साथ आपके पूरे जो मसल्स हैं वो हो जाते हैं रिलैक्स्ड। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए देख रहे हैं और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का सबसे पहले। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी वेरी सून विद समथिंग न्यू। तो बाय।